हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में, डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो के बाद में अगला वीडियो हम लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर के बारे में डालेंगे। तो ये दोनों वीडियो हैं वो यूजीसी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ की क्या क्या लेयर्स हैं, उनके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थ इज मेनली कंपोज्ड ऑफ थ्री लेयर्स। अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी की जो सतह है या जो पूरी स्ट्रक्चर है वो मेनली तीन लेयर में डिवाइडेड होती है। कौन कौन सी लेयर होती हैं? जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज नोन एज क्रस्ट, दैट इज द आउटर लेयर। अगर हम पृथ्वी की अर्थ की बात करते हैं तो जो आउटर सरफेस होती है दैट इज द क्रस्ट। आफ्टर क्रस्ट द सेकेंड लेयर इज नोन एज मेंटल, दिस इज ए मिडल लेयर। एंड द इनर लेयर दैट इज नोन एज कोर। सो हमको ऑर्डर से याद रखना है, द आउटर इज नोन एज, आउटर लेयर इज नोन एज क्रस्ट, द मिडल वन नोन इज मेंटल एंड द इनर वन इज नोन एज कोर। तो इस डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी लेयर है, इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे आने वाली सभी स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज ए सॉलिड लेयर। दिस को कहते हैं दिस इज ए सॉलिड लेयर। ओके, एंड दिस लेयर इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। ओके, तो चलिए अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के ऊपर कहीं कहीं पे क्या होता है, ओशियंस भी होते हैं, कहीं पे लैंड होती है, फिर कहीं ओशियंस होते हैं। सो द कॉन्टिन क्रस्ट दैट इज लाइज इन वाटर इन ओशियंस दैट इज नोन एज ओशियनिक क्रस्ट, एंड दैट इज लाइज ऑन द लैंड दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो बेसिकली टू पार्ट होते हैं, दैट वन इज द ऑन लैंड कवर द लैंड दैट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड इन ओशियंस इन वाटर द ओशियनिक क्रस्ट। एंड दिस लेयर इज मेनली मेडअप ऑफ द सिलिका एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन। सो अगर दो एलिमेंट की बात की जाए तो मेनली सिलिका और एल्यूमिनियम की ये बनी होती है। शॉर्ट में इसको सिल लिखा जाता है, सिल मीन्स सिलिका, एल मीन्स एल्यूमिनियम। सो नाउ द डेंसिटी ऑफ मेटेरियल इन क्रस्ट। सो अर्थ क्रस्ट मेनली सॉलिड होती है एंड दैट इज मेडअप ऑफ एल्यूमिनियम सिलिका। सो द डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल इन द अर्थ क्रस्ट इज अराउंड 3 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर इट। एंड द थिकनेस इज हाईली वेरिएबल ऑफ क्रस्ट, द क्रस्ट थिकनेस इज हाईली वेरिएबल। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था थिकनेस ज्यादा कहाँ पे होती है, जो कॉन्टिनेंटल एरिया होता है एंड जो ओशियनिक क्रस्ट होता है उसकी थिकनेस बहुत कम होती है, अप टू 5 किलोमीटर थिक होती है ओशियन क्रस्ट। एंड द रिमेनिंग द लेयर ऑन द लैंड द थिकनेस इज वेरीज अप टू 100 किलोमीटर। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट, सो दिस इज वेरिएबल फ्रॉम अप टू 100 किलोमीटर, याद रखना है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। ओके, सो व्हेन द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल लेयर बोथ मीट, सो द बाउंड्री लेयर बिटवीन और वी कैन जस्ट ट्रांजिशन जोन बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल लेयर ऑफ द अर्थ, देयर इज ब्रोकन बिग पीसेज। ओके, एंड देयर शोइंग ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज जिग्सा पजल लाइक स्ट्रक्चर, एंड दीज बिग पीसेज ऑफ द सॉलिड मटेरियल इज नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स। ओके, सो दिस इज टाइप द स्ट्रक्चर इज देयर इज लाइज बिटवीन द और ट्रांजिशन जोन बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल। ओके, सो दीज बिग पीसेज इज नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स, एंड दीज टेक्टोनिक प्लेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक। नाउ द टेक्टोनिक प्लेट्स मूविंग स्लोली स्लोली बीनीथ द क्रस्ट लेयर। ओके, एंड द मूवमेंट इज अराउंड 3 to 5 सेंटीमीटर पर ईयर। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर हम वॉल्यूम एंड मास की बात करते हैं, अर्थ क्रस्ट के जो टोटल अर्थ का जो टोटल वॉल्यूम है वो टोटल मास है, उसमें अर्थ क्रस्ट का कितना परसेंट शेयर है, सो इट इज मेकअप अराउंड 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड 5% ऑफ द अर्थ मास। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
सो देर इज ए डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द हाइड्रोस्फीयर एंड क्रस्ट, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। सो जो भी ओशियन के अंदर जो क्रस्ट लेयर होती है और जो लैंड पे जो क्रस्ट होती है उनके बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है, ओके। एंड दिस डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज कोऑर्डिनेट डिसकंटिन्यूटी, ओके। एंड द सेकेंड डिसकंटिन्यूटी लाइज इन बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल। तो जो अर्थ क्रस्ट है, देन आफ्टर द मेंटल, सो देर इज ए डिसकंटिन्यूटी, एंड डिसकंटिन्यूटी इज नोन एज मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी और मोहो डिसकंटिन्यूटी। याद रखना, ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोहोरोविक मोहोरोविच डिसकंटिन्यूटी, और शॉर्ट में उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ अर्थ क्रस्ट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लेयर के बारे में, दैट इज नोन एज मेंटल। सो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस लेयर? सो द थिकनेस ऑफ मेंटल इज वेरीज अप टू 3000 किलोमीटर, ओके। एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ द आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। इन शॉर्ट, सीमा सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ओके। एंड द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ SiAl, सिलिकन एंड एल्यूमिनियम। द मेंटल इज मेड अप ऑफ द सिलिकन एंड मैग्नीशियम, ओके। तो ये याद रखना, इनके कंपोजिशन के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्रस्ट इज ए सॉलिड लेयर बट मेंटल इज द डेंस हॉट एंड सेमी सॉलिड लेयर, ओके। इट इज मेनली मेड अप ऑफ द सेमी मोल्टन रॉक नोन एज मैग्मा। ये मैग्मा वही लिक्विड होता है दैट इज कम ऑन द अर्थ अर्थ सरफेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो लावा होता है, दैट इज नोन एज मैग्मा, ओके। दैट इज कम फ्रॉम द मेंटल लेयर ऑफ द अर्थ अर्थ। सो द आउटर पार्ट पार्ट दैट इज नियर द क्रस्ट दैट इज हार्डर, एंड द लोअर पार्ट इनर पार्ट इज द सॉफ्ट पार्ट, ओके, सेमी सॉलिड पार्ट ऑफ द मेंटल लेयर। द डेंसिटी हैविंग इज हायर देन द क्रस्ट एंड इट इज वेरीज फ्रॉम 3.3 to 5.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इज वेरी हाई, इट इज रेंजिंग फ्रॉम 870 to 2200 डिग्री सेंटीग्रेड। सो 870 से 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर वेरिएबल होता है। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम और इसके मास की। सो द मेंटल इज शेयर अराउंड कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 84% ऑफ अर्थ वॉल्यूम एंड 67% ऑफ अर्थ मास। तो हम अगर एग्जाम में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किस लेयर का है, सो दैट इज द मेंटल इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ मास। नियर इट्स अपर एजेज समवेयर व्हेन वी टॉक इन द टर्म ऑफ डेप्थ फ्रॉम 100 to 200 किलोमीटर बीनीथ द लेयर, द मेंटल टेम्परेचर रीचेज अप टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक्स एंड फॉर्म ए मेल्टन रॉक दैट इज नोन एज एंड दैट फॉर्म्स ए लेयर ऑफ पार्शियली मेल्टेड रॉक्स दैट इज नोन एज एस्थेनोस्फियर, ओके। एस्थेनोस्फियर एक अलग लेयर बन जाती है एंड द डेप्थ ऑफ एस्थेनोस्फियर थिकनेस इज वेरीज फ्रॉम 80 किलोमीटर to 200 किलोमीटर। दिस इज ए हैविंग द पार्शियली मेल्टेड रॉक्स, लेयर ऑफ पार्शियली मेल्टेड रॉक्स। अगर एस्थेनोस्फीयर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द एस्थेनोस्फीयर, सो दिस इज ए लेयर ऑफ पार्शियली मेल्टेड रॉक्स। एस्थेनोस्फीयर इज हाईली विस्कस, मैकेनिकली वीक, डक्टाइल, डिफॉर्मिंग रीजन ऑफ द अपर मेंटल जस्ट लाई बिलो द लिथोस्फीयर। सो लिथोस्फीयर है वो अप टू 100 किलोमीटर तक होता है और इसके जस्ट नीचे क्या होती है, एस्थेनोस्फीयर। मेंटल्स आउटर मोस्ट जोन इज रिलेटिवली कूल एंड रिजिड, ओके। सो द आउटर लेयर होती है वो सॉलिड होती है, कूल होती है, उसका टेम्परेचर कम होता है, जबकि इनर लेयर का टेम्परेचर हाई होता है और वो सेमी सॉलिड होती है। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल एंड क्रस्ट, सो ये जो
लेयर, अर्थ की लेयर होती है द अपर, दिस इज द क्रस्ट, दिस इज द मेंटल। सो द क्रस्ट प्लस अपर मेंटल दैट इज नोन एज लिथोस्फियर। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल। द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल लेयर्स नोन एज रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो मेंटल के दो पार्ट होते हैं, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल, तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है दैट इज नोन एज रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी। द पोर्शन ऑफ मेंटल विच जस्ट लाइज बिलो द लिथोस्फियर एंड एस्थेनोस्फियर बट अबोव द कोर इज नोन एज मीजोस्फियर। भी काफी इंपॉर्टेंट है, द पार्ट ऑफ मेंटल दैट जस्ट लाइज अबोव द कोर दैट इज नोन एज मीजोस्फियर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट इज नोन एज कोर। सो इसके वॉल्यूम और मास की बात करते हैं तो इट कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 50% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एंड 32.5% मास ऑफ द अर्थ। सो अगर हम वॉल्यूम एंड मास के टर्म में अगर लेयर्स की ऑर्डर ऑर्डरिंग करते हैं तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन डन बाय मेंटल फॉलोड बाय कोर एंड देन आफ्टर द लोएस्ट शेयर बाय द क्रस्ट। ओके, सो डेंसिटी द मटेरियल लाइज इन द कोर दैट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी एंड डेंसिटी वेरीज फ्रॉम 9.5 टू 14.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सो डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द कोर एंड मेंटल नोन एज गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये जितनी भी डिसकंटिन्यूटी है काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है, ठीक है। अगेन कोर इज मेडअप ऑल्सो मेडअप ऑफ आउटर एंड इनर लेयर। सो ऑल द लेयर क्रस्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, वन लाइज ऑन लैंड, सेकेंड वन इज लाइज ऑन द वाटर। देन आफ्टर कोर मेंटल इज ऑल्सो आउटर एंड इनर, देन आफ्टर द कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इन टू द आउटर कोर एंड इनर कोर। द इनर कोर इज ए सॉलिड स्टेट एंड आउटर कोर इज ए लिक्विड स्टेट। अगर हम कोर की बात करते हैं, ओके, दिस इज द कोर। सो द इनर पार्ट ऑफ कोर, वन मिनट, द इनर पार्ट ऑफ कोर जनरली क्या लगता है कि दैट इज लिक्विड, बट द इनर पार्ट ऑफ कोर इज द सॉलिड एंड द आउटर पार्ट इज कोर इज द लाइज इन द लिक्विड स्टेट। ओके, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। सो द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर कोर एंड लोअर कोर इज नोन एज लेहमान डिसकंटिन्यूटी, लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ओके, देन आफ्टर द बेरिस्फीयर इज समटाइम यूज टू रेफर द कोर ऑफ द अर्थ एंड समटाइम फॉर द होल इंटीरियर। सो मेनली द कोर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज बेरिस्फीयर। ओके, नाउ द आउटर कोर, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट द कोर लेयर ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, कोर इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, आउटर एंड इनर। द आउटर लेयर इज फॉर्म इन विच फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। क्यों होती है दैट वी विल डिस्कस इन दिस स्लाइड, एंड इनर इज एज सॉलिड लेयर। सो द आउटर लेयर इज मेनली मेडअप ऑफ द निफेन, निकिल एंड आयरन। ओके, द डेप्थ ऑफ दिस लेयर इज रेंजिंग फ्रॉम 2880 किलोमीटर टू 5180 किलोमीटर बिलो द सरफेस। ओके, सो देर इज ए चेन रिएक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। सो देर इज ए कंटिन्यूअस रेडियो एक्टिव डिके ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड ड्यू टू दीज एलिमेंट्स कंटिन्यूअस डिके ऑफ दीज एलिमेंट्स देर इज हायर टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज रेंजिंग फ्रॉम 2200 टू 5000 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लिक्विड स्टेट बिकॉज ऑल द रॉक्स और मटेरियल मेल्टेड ऑन दिस टेम्परेचर एंड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट इन दिस लेयर ऑल्सो जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ चेंज इन एवरी 2 लाख टू 3 लाख ईयर, मतलब 2 लाख से लेकर 3 लाख ईयर्स के बीच में
दिस मैग्नेटिक फील्ड है वो रिवर्स हो जाता है। डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज रेंजिंग फ्रॉम 9.9 टू 12.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ द सेकेंड वन इज द इनर कोर। दिस इज ए सॉलिड मेटल बॉल हैविंग द रेडियस ऑफ 1,220 किलोमीटर। द डेप्थ ऑफ दिस लेयर इज रेंजिंग फ्रॉम 5,180 टू 6,400 किलोमीटर बीनीथ द अर्थ सर्फेस। एंड दिस इज एक्सट्रीमली डेंस एंड मेनली मेडअप ऑफ द आयरन एंड निकिल। बोथ द आउटर एंड इनर कोर इज मेडअप ऑफ द निफे निकिल एंड आयरन। द इनर कोर स्पिन बिट फास्टर देन द रेस्ट ऑफ द प्लेनेट। सो दिस द इनर सॉलिड बॉल स्पिन फायर, मतलब ये बहुत तेजी से घूमती है एज कंपेयर टू द अदर लेयर ऑफ द अर्थ। इट इज ऑल्सो इंटेंसली हॉट एंड द टेम्परेचर इज रिचेज अप टू 5,400 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड द डेंसिटी ऑफ दिस द मटेरियल इन दिस लेयर इज रेंजिंग फ्रॉम 12.6 टू 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। द प्रेशर इज ऑलमोस्ट 3 मिलियन टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ सरफेस। अगर हम अर्थ सरफेस के कंपेयर में प्रेशर की बात करते हैं तो 3 मिलियन टाइम्स मोर देन द अर्थ सरफेस। एंड दिस इज रेंजिंग फ्रॉम 330 टू 360 गीगा पास्कल। ओके, सो दिस इज ए टेबल टू डिफरेंशिएट व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द क्रस्ट मेंटल एंड कोर। सो चलिए देखते हैं वन बाय वन। थिकनेस की बात करते हैं, द थिकनेस इज जनरली वेरीज फ्रॉम 0 टू 70 किलोमीटर और अप टू 100 किलोमीटर है। द थिकनेस ऑफ मेंटल वेरीज फ्रॉम अप टू 3,000 किलोमीटर। द कोर अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, आउटर एंड इनर। द आउटर इज अप टू 5,180 किलोमीटर एंड इनर इज रेंजिंग फ्रॉम 6,400 किलोमीटर। द डेंसिटी, यू सी द डेंस ट्रेंड ऑफ डेंसिटी इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा मैक्सिमम, तो कोर कोर में भी इनर कोर की होती है। कंपोजिशन, द क्रस्ट इज सिलिका सिलिकन एल्यूमिनियम, मेंटल इज सिलिका मैग्नीशियम, आउटर इज निकिल आयरन, इनर इज आल्सो निकिल आयरन। तो कंपोजिशन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर भी जो वेरिएबल होता है, और मैक्सिमम टेम्परेचर वो किस में पाया जाता है, इनर कोर में। अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो क्रस्ट सॉलिड होता है, मेंटल सेमी सॉलिड होता है, आउटर कोर है वो मेल्टेड फॉर्म में होता है एंड द इनर कोर इज द सॉलिड फॉर्म में होता है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो हमने बीच में कुछ कुछ डिसकंटिन्यूटी की बात की, तो हम देखते हैं कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो लिथोस्फियर है वो अप टू 100 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, दैट इज नोन एज द लिथोस्फियर। सो द अपर मेंटल, देर इज ए डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, दैट इज नोन एज रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। एंड देर इज ए डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, दैट इज नोन मोहरोविक मोहरोविच एंड मोहो डिसकंटिन्यूटी। देन आफ्टर देर इज ए डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द आउटर कोर एंड इनर कोर, दिस इज नोन एज लेमान डिसकंटिन्यूटी। सो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ओके, इन 1912 द अल्फ्रेड वेगनर, काफी इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड वेगनर प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल द कॉन्टिनेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट एंड फॉर्म ए सिंगल लैंड मास। एंड दिस सिंगल लैंड मास, सो देर आर सेपरेट सेपरेट कॉन्टिनेंट्स, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल लैंड मास। दिस सिंगल लैंड मास इज नोन एज पेंजिया। ओके, याद रखना पेंजिया। देन आफ्टर द सिस्मोलॉजी इज नोन द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक्स नोन एज सिस्मोलॉजी। लिथोस्फियर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, कंसिस्ट ऑफ द एंटायर अर्थ क्रस्ट एंड टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ द मेंटल। द थिकनेस इज जनरली वेरीज, कुछ बुक्स में है वो अप टू 70 किलोमीटर होता है, कुछ बुक्स में अप टू 100 किलोमीटर होता है, ठीक है। देन आफ्टर एस्थेनोस्फियर, एस्थेनोस्फियर इज ए सॉलिड सॉफ्ट लेयर ऑफ अपर मेंटल, दैट इज द डेप्थ ऑफ दिस इज रेंजिंग एंड दिस इज लाइज बिलो द लिथोस्फियर। ये लिथोस्फियर के नीचे होती है और उसकी डेप्थ वो 100 से 250 किलोमीटर तक वेरिएबल होती है। एंड दिस इज मेनली मेडअप ऑफ द सॉलिड सिलिकेट।
एंड 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 0.62 माइल्स। तो ये कभी कन्वर्जन में ये फैक्टर काम आ सकता है, याद रखना आपको। सो दिस इज सम बेसिक और रिलेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।